नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक मैं एक कहानी से स्टार्ट करूंगा। एक बहुत बड़े शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेस सेमिनार चल रहा था। उसमें बहुत से बिजनेसमैन आए हुए थे। तभी वहाँ क्या हो रहा है, दो छोटे बिजनेसमैन आपस में बातें कर रहे थे और तभी उनके सामने से एक यंग बिजनेसमैन निकला। हैंडसम सा यंग बिजनेसमैन गुजरा और वो आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। एक कहने लगा कि देखो यार, ये इनको आप जानते हैं, ये इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। दूसरा बोला, हाँ मैं इनके बारे में जानता हूँ, मैंने भी इनके बारे में काफ़ी सुना हुआ है। तभी दूसरा बिजनेसमैन बोला कि ये बिजनेस के मामले में बहुत लकी है, ये जहाँ पे भी अपनी ब्रांच खोलते हैं वहाँ पे वो सफल हो जाती है। तो दूसरा बोला, हाँ मैं ये तो बात आपने सही बोली। तो वो बोला कि इनका बिजनेस में लक बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बोला, हाँ क्योंकि मेहनत बोलो हम भी कम नहीं करते हैं। बोला, मेहनत तो हम भी बहुत ज़्यादा करते हैं पर हम इतने कामयाब नहीं, पर लेकिन ये जहाँ पे भी अपनी शाखा खोलते हैं वहाँ पे वो सक्सेसफुल रन करते हैं और सक्सेसफुल रहे हैं, हर जगह जिस बिज़नेस में भी हाथ डालते हैं हर जगह कामयाबी पाते हैं। और उन दोनों छोटे बिजनेसमैन की बात उस जिस बिजनेसमैन के बारे में वो बात कर रहे थे उसने सुन ली और उन्होंने सीधा आके उनसे प्रश्न किया, क्या आप लोग बता सकते हैं कि आपकी कंपनी आज से 10 साल बाद कितना रिटर्न दे रही होगी और उस कंपनी की ब्रांच किस शहर में होगी। दोनों छोटे बिजनेसमैन हैरान होते हुए बोले, 10 साल का टाइम बहुत होता है, अपनी कंपनी के इतने लंबे समय के बारे में हमने नहीं सोचा है। तब वह बड़ा बिजनेसमैन मुस्कुराते हुए बोला, मेरे और आपके बिजनेस में बस यही अंतर है, मैंने अपनी कंपनी के बारे में एक क्लियर विज़न बना रखा है, मेरी कंपनी की 10 साल बाद क्या पोजीशन होगी, लेकिन आपने नहीं बनाया। मेहनत तो अपने काम के लिए सभी करते हैं, हमें हमारा लक आगे नहीं बढ़ाता बल्कि हमारा क्लियर विज़न आगे बढ़ाता है। ये बात सुनकर दोनों छोटे बिजनेसमैन समझ चुके थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति अपने लक के कारण बिग बिजनेसमैन नहीं बना बल्कि अपने क्लियर विज़न के कारण इतना बड़ा बना है। दोस्तों, बड़े बिजनेसमैन द्वारा कही गई बात छोटे बिजनेसमैन के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक सक्सेस की है। चाहे आप कोई भी वर्क करते हैं लेकिन यदि वर्क को लेकर आपका कोई क्लियर फ्यूचर विज़न नहीं है तो मनचाही सफलता आपसे दूर रहेगी। अगर सक्सेस को लेकर आप थोड़ा सा भी गंभीर है तो आपको अपने काम के लिए क्लियर विज़न बनाना होगा। आपका विज़न जितना ज़्यादा बड़ा और क्लियर होगा उतनी बड़ी सफलता के आप हकदार होंगे। एग्जाम्पल के लिए, विज़न तो मज़दूर भी बनाता है और एक सक्सेसफुल पर्सन भी बनाता है, लेकिन दोनों के विज़न में मुख्य अंतर होता है टाइमिंग और क्लियरनेस का। एक मज़दूर केवल एक दिन का विज़न रखता है और सुबह उठकर केवल उसी के बारे में सोचता है और दिन ख़त्म होने पर सो जाता है और अगले दिन के बारे में वह अगले दिन आने पे सोचता। लेकिन एक सक्सेसफुल पर्सन हमेशा अपने पास फ्यूचर के लिए क्लियर विज़न रखता है, उसे पता होता है कि नेक्स्ट डे क्या क्या काम करना है, किस किस समय करेगा, उसे पता होता है कि नेक्स्ट मंथ वह अपने सक्सेसफुल करियर को आगे बढ़ाने के लिए कहां कहां जाएगा, किस किस से मिलेगा, उसे पता होता है कि नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 10 ईयर की उसकी क्या प्लानिंग है। अतः यदि आपको भी अपने काम में सक्सेस प्राप्त करनी है तो क्लियर और स्पेसिफिक फ्यूचर विज़न इन लाइफ आपको अपनाना ही चाहिए। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ एक क्लियर और स्पेसिफिक फ्यूचर विज़न होता क्या है, इसके बारे में उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी जनरल स्टोर में जाते हैं और किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो आपसे पूछेगा, प्रश्न करेगा कि आपको क्या चाहिए। आप वहाँ पे आंसर दोगे, मुझे साबुन चाहिए। तब वो आपसे फिर दोबारा प्रश्न करेगा कि अब भाई आपको कौन सा साबुन चाहिए। फिर आप आंसर दोगे कि मुझे नहाने वाला साबुन चाहिए। फिर वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपको नहाने वाला साबुन चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए और कितना चाहिए। आप बोलोगे मुझे 5 साबुन चाहिए, मुझे को आप कंपनी का नाम बता दो, इस कंपनी का चाहिए। फिर आपसे वो दोबारा प्रश्न पूछेगा, कैसी क्वालिटी का चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए, लोअर क्वालिटी का चाहिए। तो आप जब क्वालिटी भी बता दोगे तब जाके वो आपको आपका सही, जो आपको सही साबुन चाहिए होगा वो आपको ला कर देगा। तो दोस्तों, जिस तरह आपको पता था कि मुझे कितने साबुन चाहिए और कौन सी कंपनी का चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए, जैसे आपको पता था तो तुरंत आपको साबुन मिल गया।
वैसे ही आपको अपने आप से खुद से प्रश्न पूछने होंगे कि मुझे अपनी लाइफ में क्या क्या करना है, और आपका क्लियर विजन जरूर होना चाहिए, तभी आप मनचाही सक्सेस पा सकते हैं। आप अपने आप से खुद से प्रश्न कीजिए कि आप अपने करियर के लिए विज़न बनाएं, या फिर आप अपने मनी के लिए, आपको कितना पैसा कमाना वो विज़न बनाएं। तो आपको ये सारे प्रश्न खुद से पूछने होंगे कि आपको लाइफ में कितना क्या चाहिए। जब तक आपका क्लियर विज़न, जब तक आपको पता नहीं होगा मुझे जाना किस रास्ते में, तब तक आप उस रास्ते में कभी जा ही नहीं पाओगे। नहीं तो सड़क तो सीधी है, पता नहीं कहीं भी ले जाएगी। जब आपको पता है कि मुझे इस स्टेशन में पक्का जाना है, तो आप तभी आप वहाँ पर जाओगे। वैसे दोस्तों, विज़न है, जब तक आपको क्लियर विज़न पता नहीं होगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है और मुझे कितना पैसा कमाना, तब तक आप कमा भी नहीं पाओगे। तो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। आइए उदाहरण देकर बताता हूँ कि लोग किस तरह से विज़न बनाते हैं, और आपको एक क्लियर और स्पेसिफिक विज़न बनाने के लिए क्या करना होगा। रॉन्ग विज़न, पहला होता है रॉन्ग विज़न। कुछ लोग लाइफ में विज़न बनाते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा जरूर करना है, ये बिल्कुल गलत विज़न है, क्योंकि यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। इसे एक क्लियर विज़न बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि जीवन में अच्छा करना और किस क्षेत्र में अच्छा करना। अगर इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो यही विज़न एक क्लियर विज़न बन जाएगा। राइट विज़न, राइट विज़न दोस्तों ये होता है कि सपोज़ करो मुझे अपने शहर का सबसे टॉप बिजनेसमैन बनना है, तो ये आपका एक राइट विज़न है। तो इस तरीके से जो विज़न है, ये इस तरह का राइट विज़न हुआ। जो मैंने आपको इससे पहले बताया वो हो गया रॉन्ग विज़न। एक रॉन्ग विज़न क्या होता है कि कुछ लोग जैसे कोई फाइनेंशियल विज़न बनाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि मुझे बहुत ढेर सारा पैसा कमाना है, तो ये एक रॉन्ग विज़न हो गया कि बहुत ढेर सारा पैसा, तो एक ही रॉन्ग विज़न, उसको हम राइट विज़न नहीं कह सकते। और एक राइट विज़न होगा कि मुझे अगले 5 सालों में $5 मिलियन कमाने हैं, तो एक ही राइट विज़न होगा कि आपको क्लियर है कि मुझे कमाने कितने हैं। रॉन्ग विज़न में तो आपको पता ही नहीं मुझे कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाने को तो बहुत सारा पैसा कमाना है। पर लेकिन एक राइट विज़न, जब आपको पता है कि मुझे सिर्फ $5 मिलियन कमाने हैं इन 5 सालों में, तो ये आपका राइट विज़न हो गया। एक रॉन्ग विज़न ये हो गया कि मुझे इस दुनिया के लोगों के लिए कुछ करना है, भाई कुछ करना है ना, ये एक रॉन्ग विज़न हो गया। राइट विज़न कैसे करें हैं कि मुझे एक ऐसा NGO बनाना है, इस NGO की द्वारा मैं दुनिया के लोगों की हेल्प कर सकूं, कम से कम 20 करोड़ लोगों की हेल्प कर सकूं, तो एक राइट विज़न हो गया कि भाई किसके थ्रू आप लोगों की हेल्प करो, एक वर्ल्ड लेवल NGO बनाना, तो आपका ये राइट विज़न होगा। तो विज़न आपका हमेशा क्या क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है आपको, तभी आप वो काम कर पाओगे। क्योंकि जब आपको पता है ना मुझे खाना क्या है, तभी आप वो चीज़ खाओगे। जब आपको पता ही नहीं खाना क्या है, तो आपको कोई कुछ भी दे देगा ना। तो इसीलिए आपका विज़न भी हमेशा क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे एग्जांपल मैंने दिए जिनकी हेल्प से आप अपने किसी भी सिंपल विज़न को एक क्लियर और स्पेसिफिक विज़न में बदल सकते हैं। ऐसा आपको इसलिए करना होगा क्योंकि आपका विज़न जितना क्लियर और स्पेसिफिक होगा, आप अपनी पूरी एनर्जी उस पर फुल फोकस कर पाएंगे, क्योंकि उस समय आपको आपकी मंजिल बिल्कुल साफ दिखाई दे रही होगी, जिसके कारण आपकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। एक बार यदि अपना कोई लाइफ विज़न बना लिया, तो पूरा करने की लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। यदि कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रॉब्लम आने से आप अपने रास्ते से भटक गए हो, तो आपका यही क्लियर विज़न आपको सही रास्ते पे ले आएगा। आपका बनाया हुआ एक क्लियर और स्पेसिफिक विज़न एक ब्रह्मशस्त्र की तरह कार्य करता है। जिस तरह एक बार ब्रह्मशस्त्र छोड़ देने पर चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने टारगेट को भेद देता है, उसी प्रकार आपका विज़न भी आपकी प्रॉब्लम से बचाता हुआ आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने अपना क्लियर विज़न नहीं बनाया है, क्लियर फ्यूचर विज़न नहीं बनाया, तो बना लीजिए। आज ही अपनी डायरी पे लिखे कि मुझे लाइफ में करना क्या और कहां तक जाना है, अपनी डायरी पे लिखिए और हमेशा उसको देखिए कि आपने लाइफ में करना क्या, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो। तो दोस्तों, अगर आपने अपना क्लियर विज़न बनाया नहीं है तो बना लीजिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन नहीं दबाया, तो दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।